खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 19 मई है और दिन है गुरुवार। आज सरसों का बाजार थोड़ा सा स्टेबल सा है या थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है। सरसों का जो कल 7200 के आसपास भाव शाम को रह गया था जयपुर 42% का, आज वही भाव खुल सकता है या 20-30 रुपए टूट भी सकता है। इसी तरह से जो कल सुधार हुआ था 10-12 रुपए का भरतपुर के बाजार में, वो वापस बाजार उसी लेवल पे जा सकता है, यानी 10-12 रुपए 50 रुपए तक, 20 रुपए से लेकर 50 रुपए तक बाजार कमजोर होता हुआ दिखाई दे सकता है। दिल्ली का बाजार भी कल 7000 रुपए से टूट करके 6950 रुपए पर रह गया था, अब उसमें और टूटने की गुंजाइश नहीं है, शायद बाजार 6950 पर ही खुलता हुआ दिखाई दे सकता है। सरसों के तेल में अभी डिमांड नहीं है, गर्मी बहुत भीषण तरीके से पड़ रही है, इसलिए सरसों के तेल की मांग कमज़ोर होने से तिलहन की मांग कमज़ोर है, इंटरनेशनल मार्केट भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए सरसों के अंदर ये कमज़ोरी निरंतर बन रही है और स्टेबिलिटी सी बन रही है। और निश्चित रूप से सरसों के अंदर थोड़े दिन रुक करके, थोड़ा समय लग सकता है, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि इसमें थोड़ा समय लग सकता है और सरसों ने तेज होना ही होना है, सरसों थोड़ा टाइम लेगी उसके बाद थोड़ा तेजी की तरफ चलेगी। और आज कॉटन बाजार में भी कल जैसा ही माहौल है, कल जैसी ही स्टेबिलिटी है, कल जैसा ही बाजार दिख रहा है। आज उत्तर भारत की जो मंडियां हैं जैसे सिरसा है, आदमपुर है, उनमें 13400 के स्तर पर कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगता यह है कि बाजार अभी एक दो दिन और ठहरेगा, उसके बाद कॉटन बाजार के अंदर भी मामला तेज हो सकता है। शाम के वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे करीब 6 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।